संविदा कर्मचारियों ने अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर राजधानी भोपाल में धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारी धरना प्रदर्शन करने के बाद सीएम हाउस को घेरने भी जाने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। चुनावी साल में शिवराज सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। शिवराज एक वर्ग को मनाने जाते हैं तो दूसरा वर्ग नाराज हो जाता है। इसी कड़ी में भोपाल में दो सूत्रीय मांगों को लेकर संविदा कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। नियमितीकरण और बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए कर्मचारी सीएम हाउस की तरफ कूच करने पहुंचे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। निष्कासितों को बाहर करना होगा, करना होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं? सुनने के लिए बकरी नहीं बचा, शांति, सुनने के लिए बकरी नहीं बचा, बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं। हम लोग बताइए, आप लोग बात उनसे रखिए और डेलीगेशन जहाँ तक होगा तो अधिकारी हमारे आपको पहुँचा देंगे। पाँच आदमी जो भी आप पाँच जो नियम कायदा कौन जाना चाहता है। मांगे पूरी न होने के कारण कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उन्हें शुरू से ही नजरअंदाज करती आ रही है। सभी वर्गों की मांगे पूरी की जा रही हैं, लेकिन उन पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम लोगों को निष्कासित से बहाली के लिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। मामा जी बार बार वादा करके हम लोगों को दो साल से मिलने के लिए बोल रहे हैं, मिल रहे हैं, सब करते हैं। जब जाओ जब आश्वासन दिया जाता है, लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा है। आश्वासन कब होगा हम लोगों को खुद को नहीं मालूम। बहुत मजबूर हो के आज रोड पे उतरे हम लोग। घर में क्या कंडीशन है हम लोग समझ रहे हैं अपनी, लेकिन मामा जी वहाँ बैठे हुए सीएम हाउस में नहीं समझ रहे कि हम लोगों की क्या परेशानी है। हम लोगों से बोल, हम लोग जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, अमरा अनशन भी करेंगे और उग्र आंदोलन भी करेंगे हम लोग। पार की लड़ाई कर ले, फैसला दे दे, लेना है तो ले, नहीं लेना है तो वो भी बोले, वो भी हमें साफ बोल दे। आश्वासन नहीं चाहिए हमको, हमको नौकरी चाहिए, यस या नो जो भी है। कुल मिलाकर चुनावी साल में कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि वे सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसका असर शिवराज सरकार पर पड़ता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमबी न्यूज भोपाल।